हैप्पी आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास. आज मैंने बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास एक्टिविटी लिया है आप लोगों के लिए. आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एपिसोड वन. इसके अंदर दो कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है. हु एम आई, व्हाट एम आई. ओके, हु एम आई मीन्स जो भी एक्टिविटी रहेगा किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सनल या पर्सनल से रिलेटेड रहेगा, मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड रहेगा. इसलिए हु एम आई है ना, जिसमें आपको गेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइव प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड या सेंटेंस जिसके हेल्प से आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, किसी चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा वाक्य बना सकते हैं, है ना. मतलब एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कहा जाता है, उसी तरह से ये फाइव सेंटेंस दिया हुआ है. इसकी मदद से आपको गेस करना है कि ये किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है. सो दैट कि आपका जनरल नॉलेज भी होगा, जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज के रूप में भी आपको काम आएगा, और एक्टिविटी एक्सरसाइज गेम के रूप में भी आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज है ना में, आप अगर आप फैकल्टी हैं, ट्रेनर हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, आपस में भी खेल सकते हैं, बच्चों के बीच में भी आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं. और ये है व्हाट एम आई, नॉन लिविंग थिंग्स रिलेटेड है. ये सारे कंट्रीज का नाम दिया हुआ है. इस कंट्री का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या लर्निंग है, वो आपको बताना है. दैट इज व्हाट एम आई एंड हु एम आई, लिविंग थिंग्स. लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज यू आर सपोज टू गेस ये किस व्यक्ति से रिलेटेड है, मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, और उस व्यक्ति के पास ये फाइव फीचर्स है, मतलब उस व्यक्ति से रिलेटेड ये पांच चीजें हैं जिसके बेस पे आपको गेस करना है कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, किस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ. आई वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, दैट पर्सन बॉर्न इन, उस व्यक्ति का जन्म हैदराबाद में हुआ. He was born on February 8, 1963. उस व्यक्ति का जन्म 8 फरवरी 1963 को हुआ. He is a right hand batsman. यहाँ लिखा I am right, मतलब वो व्यक्ति right hand, मतलब right दाहिने हाथ से खेलने वाला खिलाड़ी है. बैट्समैन का मतलब ये हो गया क्रिकेट प्लेयर है, वेरी सिंपल. आज क्रिकेट सभी को प्यार है, आप लोग सब तो क्रिकेट के डाई हार्ड फैन हो. I am a politician also. वो अभी पॉलिटिशियन भी है, है ना. और उनका जो सबसे बड़ा पहचान, जिससे आपको पहचान आएगा, कि वो लोकसभा कैंडिडेट हैं मुरादाबाद, लोकसभा कैंडिडेट हैं मुरादाबाद से. अब आपको ये पहचानना है ये पांच वाक्य के आधार पर कि वो किस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ. हु एम आई, यू आर सपोज टू गेस दैट पर्सन नेम. ओके, नाउ ये है यूएसए, यूके, रसिया, जापान, है ना, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी. इन कंट्री का नाम किस संदर्भ में लिया जाता है, क्या लर्निंग है इसके पीछे, उसको आपको फाइंड आउट करना है. दैट कम्स अंडर व्हाट एम आई, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, वेरी सिंपल है, कंट्री से रिलेटेड है, इसमें किसी लिविंग पर्सन का जिक्र नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो व्हाट एम आई के अंदर वो आएगा, ये हु एम आई के अंदर आएगा. लेट्स गेस. चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखें आप में से कितने लोगों को जनरल नॉलेज कितना स्ट्रांग है. जरा याद करिए कि इन कंट्री का नाम किस संदर्भ में लिया जाता है, क्या है ये कंट्री का, क्या फीचर्स है, आपको याद आ रहा है कुछ, किस संदर्भ में इस कंट्री का नाम लिया जाता है, ये सारे कंट्री किस संदर्भ में नाम लिया जाता है, एक बार सोचिए, फिर से सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को, है ना. किसी भी चीज को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, उसको पॉज किया जाता है, पॉज करके फिर सोचा जाता है कि भाई इस कंट्री का यहाँ पे क्या पता लगेगा, व्हाट एम आई, क्या लर्निंग है इसके पीछे, ये मैंने यही कंट्री का नाम क्यों दिया, इसके अलावा और सब कंट्री का नाम क्यों नहीं दिया, वो सोचना है आपको. तो तब सोचेंगे आप जब आप पॉज करेंगे वीडियो को, है ना. इसको जब भी मैं किसी भी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज में ये एक्टिविटी के रूप में कंडक्ट करता हूँ, 3 मिनट्स का मैं समय देता हूँ, आप भी 3 मिनट्स का समय लो, आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करो दोनों एक्टिविटी को एक साथ. अगर आप 3 मिनट से पहले सॉल्व कर दिए, रिकॉर्ड है कॉलेज में, बहुत ही टॉप क्लास का कॉलेज जहाँ की मैं एक्टिविटी कर रहा था, 30 सेकेंड्स के अंदर 2 बच्चों ने तुरंत आंसर बता दिया, 30 सेकेंड्स के अंदर, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, मतलब इंडिया रिकॉर्ड है 30 सेकेंड्स. तो अगर आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, वंडरफुल, जिसको बोलते हैं द बेस्ट जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं. तो ये जो है, जैसा कि अभी आप देखिए हिंट दूंगा मैं, ये 8 कंट्रीज है. 8 कंट्रीज का नाम कहाँ आता है हमेशा, किस जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर्स में, जनरल स्टडीज में हमेशा हम आता है नाम, कुछ याद आया आप लोगों को? जी हाँ, इसको कहते हैं G8 कंट्रीज, Group 8 कंट्रीज, क्योंकि ये सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं आपके, है ना, सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड G8.
ग्रुप 8, अब इसके अंदर अब G10 G20 तक हो चुका है ना, तो इसके उसके बाद चाइना का नंबर आता है G9 में, आप उसके बाद इंडिया का नंबर आता है G10 में, ये आपको एज ए जनरल नॉलेज के रूप में याद रखना है। उसके बाद 20 तक है G20 होता है समिट, जो कभी फिलहाल हुआ था G20 समिट हुआ था। आइए डेवलप्ड कंट्रीज है, चाइना को भी अब डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में कंसिडर किया जाता है। अब इंडिया जो है डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग या अंडर मैनेज्ड है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बना के क्लियर कट, है ना, पर कैपिटा इनकम के बेस पे और GDP के बेस पे कि कैसे उसको डिफाइन किया जाता है कि कोई कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है, डेवलपिंग अंडर मैनेज है। तो इसका आंसर क्या हो गया, G8। तो व्हाट एम आई, आई एम ए G8 कंट्रीज, इसका सिंपल आंसर होगा आई एम ए G8 कंट्रीज। ओके, अब इसको ये 5 फीचर्स मैंने दिया है, किस पर्सन से रिलेटेड है, ये है हमारे देश के सब बहुत अच्छे क्रिकेटर, हम लोग उनके डाई हार्ट फैन थे, है ना, मोहम्मद अजरुद्दीन, जिसको हम लोग प्यार से अज्जू कहते हैं, है ना, मोहम्मद अजरुद्दीन पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी से MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर जिसको बोलते हैं राइट हैंड बैट्समैन, हम लोग डाई हार्ड फैन हुआ करते थे उनका। नाम जब मैच फिक्सिंग कैच फिक्सिंग में आ गया उसके बाद से मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया, जब उतना सीधा साधा आदमी को जब इस तरह से ट्रैप कर दिया गया तो मैं समझ गया कि अब क्रिकेट जो है अब सिर्फ पैसे की खेल हो गया है, धंधा हो गया है, बिजनेस हो गया है, अब वहाँ रियल वो स्पिरिट देशभक्ति वाले स्पिरिट अब नहीं है। हो सकता है आप लोगों को फील होता हो, सबका अपना अपना मत होता है, मेरा मत अपना ये था, हम लोग उनको बहुत पसंद करते थे ना, खाना पीना छोड़ के उनका क्रिकेट देखते थे, मैच देखते थे, 92 का मुझे लास्ट मैच वो अभी भी याद है, इंडिया पाकिस्तान के बीच का, उसके बाद वो पकड़े गए, उसके बाद से मैंने मैच देखना छोड़ दिया। तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एपिसोड विच वॉज रिलेटेड टू हु एम आई व्हाट एम आई, इसके बेस पे मैं अब 100 ऑफ एपिसोड बनाकर दूंगा आप लोगों को, जिससे आपका बहुत सब चीज़ों पे दूंगा, खाली ऐसा नहीं कि जनरल नॉलेज पे, बहुत सब चीज़ों पे दूंगा, है ना, फिल्म पर्सनैलिटी पे दूंगा, फेमस पर्सनैलिटी पे दूंगा, नेताओं से रिलेटेड दूंगा, है ना, एप्टीट्यूड पे देंगे, रीजनिंग पे देंगे, GK पे देंगे, इंग्लिश पे देंगे, बहुत सारी एक्टिविटी हमारे पास है जो कि इसके माध्यम से, दूसरे एक्टिविटी एपिसोड 2 जो मैं बनाऊंगा, एक और एक्टिविटी है जिसमें डिड यू नो और डू यू नो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप लोगों को वीडियो मिलता चला जाएगा एपिसोड वाइज। अगर आपको लगा कि लॉजिक सही है, अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉरवर्ड करना नहीं भूलना अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से, सो दैट वो लोग भी लर्निंग विद फन में हिस्सा ले सके और कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।